नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दीनदयाल नगर की प्रतिमा के सामने घुटने भरा पानी, पार्क में बच्चों की किलकारियां हुई बंद। नगर पालिका के ऊपर आरोप लगाते हुए समाज सेवी योगेंद्र सिंह चौहान साहेबू ने कहा कि वार्ड क्रमांक 11 में नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। हमने इस मामले में सीएमओ एवं अध्यक्ष से भी बात किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अनुयायी दीनदयाल प्रतिमा जो पानी से सरोवर हो गए हैं, उसे पर भी भाजपा से कोई देखने सुनने नहीं आया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय, ये आपके वार्ड 11 में आज देखा गया कि समस्याओं का अंबार है। अभी सीएमओ मैडम आई और देख कर निकल गई। अब देख रहे हैं कि दीनदयाल की प्रतिमा जो है उनके सामने घुटने भर पानी भरा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। भी हमारी सीएमओ से फ़ोन पर चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा मैं आज भेज रही हूँ 3-4 लोगों पर। ये तो देख के पूरा मतलब जहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का वो लगा हुआ है, सेतु लगी, पूरा पानी से भरा हुआ है ये, और कोई देखने वाला नहीं। मतलब जिनकी सरकार है वो तो कोई फिर की झांकी नहीं रहे। देखें यहाँ शहर की क्या व्यवस्था है, इतनी हालत खराब है यहाँ कि मतलब बिल्कुल नरक। आपको व्यापारी लोगों ने भी फोन लगाया, इसके दीनदयाल के ठीक बगल में सड़क बनी हुई है, वहाँ नाली जाम है, आप देखे हैं, और इसके पीछे भी यही हालत है, दुकानों में पानी भरा हुआ है। क्या दिक्कत हो रही है? अब ये कर्मचारी ध्यान, नगर पालिका के कर्मचारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसका इस रोड का टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तो बरसात में चली रोड ना बन पाएगी, पर कम से कम साफ सफाई तो करवानी चाहिए। पर इससे लगा हुआ कलेक्ट्रेट एरिया है, न्यायालय है, कोई देखने या सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, पीसीसी रोड बरसात में भी बनती है। बनती है, पर अभी प्रक्रिया क्या है कि कीचड़ है, जब तक कीचड़ साफ। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर आपका ये क्या? वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें मतलब गिट्टी वगैरह कुछ गिराई जाए इसके लिए। देखिए अभी सीएमओ साहब आई थी तो उनसे फोन में चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मैं 4-5 आदमी भेज रही हूँ सफाई वगैरह करवा, उतने समस्या थोड़ी हल होनी है, उतने समस्या हल नहीं होगी। लेकिन हम तो कहते हैं कि भाजपा वालों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि जहां जिनके नाम पे मतलब इतना वो लोग गुनगाते हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। और दीनदयाल जी कम से कम वहां तो सफाई करवाई जाए, ये तो मेंटेन किया जाए, और पब्लिक पूरा घुटने भर पानी से निकल रही है कि कोई देखने सुनने के लिए तैयार नहीं है। भैया, समस्या तो पहले ना समाधान करना चाहिए था, तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बाढ़ की समस्या को लेकर जब भी कोई जनता या व्यापारी आवाज उठाते हैं, आप हरदम सजग रहते हैं। पर देखिए, जो अपने अधिकार क्षेत्र में है, जब वहाँ जो पद में बैठे हैं, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? जितना अधिकार क्षेत्र है उतने का अपन। आपने एक बड़ी बात की, दीनदयाल के अनुयायी भाजपा हैं, हम सब हैं, लेकिन उनके प्रतिमा के सामने यह विनम्रता है कि घुटना भर पानी भरा हुआ है। आज ना उनको कोई माला पढ़ा सकता है, इस पार्क की दुर्दशा हो गई है कि कोई बच्चे खेलने नहीं जा सकते हैं। पूरे जो पार्क की जो घास लगी, पौधे लगे, सब सड़ जाएंगे, जिसमें घुटने तक पानी है तो उसका क्या होगा? और कॉलोनी वासी भी इतने सब परेशान। सब इस मामले में आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष से भी बात की? अध्यक्ष को तो अभी हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। अब उनसे हम बात करते हैं, फ़ोन उठाएँगे तो उनको बुलाएँ कि आइए देखिए। उपाध्यक्ष महोदय से भी बात हमारी नहीं हुई, पर अध्यक्ष महोदय को भी हमने लगाया था फ़ोन, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, हो सकता है किसी काम में बिजी हो, पर फ़ोन लगाएंगी, फ़ोन लगाती हैं वो, पर इतना तो कम से कम नहीं। जनता की आवाज़ के लिए अगर आप सजग रहते हैं, लेकिन ये दिन ही सुनते तो कुछ भी आप शिकायत भी करेंगे कहीं बाद। अगर नहीं सुनेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे भाई? पब्लिक के लिए तो करेंगे ही, पब्लिक ने मतलब चुना, तो अब हम चुने जाए ना चुने जाए तब भी काम होना चाहिए। नगर पालिका का मेन काम है साफ सफाई, नाली का वो जीर्णोद्धार हो, ये थोड़ी है कुंडली मार कोई बैठ जाए बस हो गया काम धाम ना। अब कांग्रेस वाले की नगर पालिका में शिकायत कर रहे हैं, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही शिकायत कर रहे हैं, तो उसी अपने में कुल मिला के कांग्रेस की खेमेबाजी की वजह से अभी संगतियाँ बन रही है। संगतियाँ बनी खेमेबाजी की वजह से, बात सही है ये भाई, लेकिन पब्लिक का काम तो होना चाहिए। पब्लिक का काम करें, अपने खेमेबाजी अलग करें, क्या ज्ञापन सौंपने थोड़ी हो जाएगा? अब वहाँ देखिए पार्टी अध्यक्ष ज्ञापन सौंपने वहाँ चले गए, यहाँ की व्यवस्था क्या देखना ना चाहिए भाई? सरकार बन गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब मनमानी करेगी। नहीं, अध्यक्ष का दायित्व होता है, अध्यक्ष को भी दौरा करना चाहिए। बिल्कुल दौरा करना चाहिए। देखिए, मैं दोबारा उनको फिर अभी फ़ोन लगाऊंगा भाई, यही क्षेत्र में देखिए क्या स्थिति है। नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और अपने शहर के जिले की शहर की वो है प्रथम महिला हैं, उनको तो इतना इसको चाक चौबंद व्यवस्था करवानी चाहिए।
ठीक। अब ये कमी कहाँ से आ रही है अभी इनसे पूछेंगे।